हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले महीना जो है मैंने बहुत सारे स्टोर विजिटिंग के ऊपर वीडियो बनाए थे, इतना टाइम नहीं मिला कि मेरे टैंक्स क्लीन करूँ और टैंक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो आज थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके मैं टैंक्स क्लीन करने वाला हूँ। जितने भी मेरे पास हॉल में टैंक्स हैं उन सबको क्लीन करके दिखाऊंगा किस तरह हफ्ते में एक बार क्लीन करना है। हालांकि 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते से मैंने पानी क्लीन नहीं किया बिल्कुल, क्योंकि बहुत बिजी हो चुका था पिछले महीने में, नवंबर के महीने में। तो दिसंबर का महीना अभी चल रहा है, तो आज का वीडियो होने वाला है जितने भी टैंक्स है उसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगा, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको सारे फिशेस के टैंक जो क्लीन करूंगा। सारे मतलब पूरे टैंक नहीं करूंगा, पूरे टैंक्स करूंगा तो हो सकता है 4 घंटे भी हो जाए, इसलिए बेटर है कि जो यहाँ पर हॉल पर पड़े हैं, बेटा फिश टैंक है या अरोना टैंक है, गोरामिस की टैंक है और इसके अंदर थोड़े स्नेल्स रखे हुए हैं, प्लानेट टैंक है, अरोना की है, इसका सब 30% पानी किस तरह चेंज करते हैं और ग्रेवल किस तरह साफ करते हैं, और साथ में टर्टल टैंक का थोड़ा अलग होता है। टर्टल टैंक का हफ्ते हो या 2 हफ्ते में पूरा पानी चेंज करना पड़ता है, 30% पानी चेंज करने से काम नहीं बनेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदगी करते हैं। तो आज मैं वही वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा होगा वीडियो आज का, आखिर तक देखना। मैं बस ये शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह मैं हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करता हूँ, किस तरह हफ्ते में एक बार टर्टल का टैंक का पानी चेंज करता हूँ, वो आपके साथ मेरा वीडियो ये शेयर करने वाला हूँ। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कुछ कहना है तो टॉपिक के बारे में कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम टर्टल टैंक से। टर्टल टैंक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है पानी क्लीन रखना, क्योंकि अगर पानी का क्लीन नहीं रखेंगे तो टर्टल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि उनको आँखों का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसलिए, और साथ साथ ये पानी बहुत जल्दी गंदा भी करते हैं। कितना भी अच्छा फिल्टर आप इस्तेमाल कर लो, कितना भी अच्छा कैनिस्टर फिल्टर इस्तेमाल करो, लेकिन पानी गंदा होता ही है, क्योंकि ये पानी के अंदर पी भी करते हैं, पेशाब करते हैं, जो फ़िल्टर जो है उसको अलग नहीं कर सकता, उसके अंदर जो बदबू रहती है वो हमेशा रहती है, कितना भी अच्छा फ़िल्टर इस्तेमाल कर लो। फिर भी क्या करना है, फ़िल्टर अच्छा हो तब भी आपको उसका पानी 1-2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार पूरा पानी चेंज करना है। इससे क्या होगा, जो पानी के अंदर गंदगी है, जो ग्रीननेस होता है, क्योंकि पानी के अंदर गंदगी करते हैं जिसकी वजह से पानी देखिए किस तरह ग्रीनरी हो चुका है। हालांकि 2 हफ्ते पहले मैंने ये क्लीन किया है, और फ़िल्टर भी मैंने टॉप फ़िल्टर इस्तेमाल किया, टॉप फ़िल्टर भी बहुत अच्छा से काम करता है। यहाँ सब देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी गंदगी भी साफ़ होती है, लेकिन फिर भी पानी जो है गंदा के गंदा ही रहता है, क्योंकि इनका फूड जो है ग्रीन आता है तो पोटी भी ग्रीन करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा पानी ग्रीनस हो जाता है। तो हफ्ते में 30% पानी चेंज कर लो तब भी काफ़ी नहीं है, अच्छा फिल्टर इस्तेमाल करो तब भी काफ़ी नहीं है, इसलिए क्या करना है, पूरा पानी चेंज करना है, साथ में वैक्यूम भी करना है ग्रेवल को। मैं दिखाऊँगा, सबसे पहले पानी को मैं निकाल लेता हूँ, एक बार पानी को रन करना है ताकि ये पानी पूरा अंदर आए, उसके बाद में जो आखिर का हिस्सा है पाइप का उसको निकाल दो, नीचे छोड़ दो तो पानी पूरा सक होता रहेगा। तो देखिए पानी ऑन किया है, अभी पानी ऑन करने से देखिए ये एयर आ रहा है, तो देखिए पानी आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर नीचे छोड़ देना है, अब फिर वहाँ पर जो नल लगाया उसको बंद करके वो पाइप नीचे छोड़ देना है, तो नीचे छोड़ दो अभी। तो देखिए अभी नीचे छोड़ के तो पानी वापस जा रहा है, तो इस तरीके से क्या करना है, साथ में ये ग्रेवल जो है ग्रेवल को हिटा के यहाँ पर गंदगी फंसी रहती है उसको साफ़ करते रहना है। तो यहाँ पर देखिए गंदगी फंसी हुई रहती है, यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर इस तरह रखने से ये गंदगी जो है ये पाइप साफ कर लेता है। तो देखिए गंदगी किस तरह ऐसा कर रहा है, ध्यान रखिए कि ये इसके अंदर ग्रेवल या कुछ जाकर ना रुके, अगर वरना क्या होगा, पानी ग्रेवल साफ़ करते रहना है। देखिए गंदगी कितनी फंसी हुई रहती है, हालाँकि 2 हफ्ते का ये हो रहा है, 2 हफ्ते का ही मैंने पहले क्लीन किया था, तो पूरा पानी निकालेंगे हम। पूरा पानी चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटे टर्टल्स हैं जैसा कि कॉइन साइज़ होते हैं 2 इंच के या 3 इंच के, उनको प्रॉब्लम हो सकता है पूरा पानी चेंज करने से, लेकिन बड़े टर्टल्स को जब ये अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 इंचेस के होते हैं तो पूरा पानी चेंज करो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उनको, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज़ होंगे पूरा पानी चेंज मत करो प्रॉब्लम होगा, हाँ होता है, वो छोटे टर्टल्स के लिए पूरा पानी चेंज नहीं करना, लेकिन बड़े टर्टल्स के लिए आप पूरा पानी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह ग्रेवल साफ़ करते रहना है, ग्रेवल इस तरह कर लेना है, छोटा पाइप रहेगा तो और अच्छा रहेगा क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा जाएगा, मेरे पास पानी बड़ा पाइप है। जैसा मैंने कहा कि आज का वीडियो लंबा होने वाला है, तो अगर चाहे तो आप स्किप करके भगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए गंदगी है, यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है, ये पोटी होती है इनकी जो ग्रेवल में फंसी रहती है, इस तरह सक करने से चले जाती है। देखिए पाइप इस तरह फट सकता है, ध्यान रखना है इस तरह हर तरफ से, जो आपको नज़र नहीं आता है सब जगह क्लीन करते रहना है। देखिए किस तरह जा रहा है गंदगी, देखिए पूरा गंदगी है ये। मैं सर 2 हफ्ते में एक बार, 3 हफ्ते में एक बार पूरा पानी चेंज करता हूँ, जितनी सारी गंदगी है
टर्टल्स का यही प्रॉब्लम होता है, टर्टल्स को फिशेस की तरह नहीं होता, फिशेस का पानी जो है हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज कर लो, फिल्टर अच्छा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका ऐसा नहीं है। देखिए गंदगी किस तरह जा रही है, सारी गंदगी जो है सक कर लेता है इस तरह करने से। ये किस तरह पूरा गंदगी इस तरह पूरा आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा पानी चेंज करने से कुछ नहीं होगा, इस तरह पूरा सक करके निकालना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट राउंड तो हो चुका, अभी दूसरे राउंड में फिर पानी डालना है हमको। फर्स्ट राउंड में पूरा क्लीन नहीं हो पाएगा। हाँ आप चाहे तो पूरा ग्रेवल बाहर निकाल के क्लीन कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की होता है। पूरा बाहर क्लीन ग्रेवल निकालो फिर टैंक को नीचे लेके आओ तो टैंक ब्रेक हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। ये बहुत सिंपल है, पूरा तो क्लीन नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेट 70% तो क्लीन हो जाएगा, काफ़ी है। बाकी का 30% फिल्टर तो क्लीन कर लेगा। फिर दोबारा इस तरह पानी मार के जहाँ पर भी गंदगी फंसी है, तो इतना काफ़ी है। अब पानी फिर वापस निकालना है इसको, तो नल में जहाँ पर नलके में पाइप लगा हुआ उसको निकाल के फिर ये अंदर छोड़ दें, तो देखिए पानी सक करने लगा है दोबारा। तो फिर दोबारा नीचे से ग्रेवल पूरा जो गंदगी फंसी है उसको निकालना है। तो देखिए दो राउंड हो चुके, तो अभी फाइनल है, अभी तीसरे राउंड में पानी दोबारा डाल देते हैं। तो देखिए अभी तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में पानी डालकर छोड़ दे, उसके बाद में ये जो स्पॉन्ज है इसको क्लीन करके डाल देना है, या हो सके तो स्पॉन्ज रिप्लेस कर दें, उसके बाद में अपना फिल्टर रन कर दें। तो ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आए, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यह गलत तरीका है या इस तरह का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास टर्टल 2 साल से हैं, जब कॉइन से इसके लेके आया था तब से लेकर अब तक इनको बड़ा किया हूँ, अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो अभी हैप्पी हैं। मैं जैसे मेंटेन कर रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, हो सकता है आपको पसंद नहीं आया क्योंकि अलग अलग आदमी की अलग अलग सोच होती है। तो मैं इस तरह क्लीन करता हूँ, दो बार क्लीन करके फिर स्पॉन्सर रिमूव करके रिप्लेस करके फिल्टर 24 घंटे रन करता हूँ, तो पानी क्लीन हो जाता है। टर्टल टैंक का यूवी लाइट भी चेंज करने वाला हूँ, एक्चुअली ये अलग यूवी लाइट है, तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपग्रेड दिखाऊंगा। जो ओरिजिनल यूवी लाइट आता है जो हैंगिंग टाइप आता है इस तरह का, वो लगाने वाला हूँ, अगले वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो वो ज़रूरी है कि यूवी लाइट लगाओ। तो ये जो रिप्लेसमेंट में लगाया था टेम्पररी के लिए, तो ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं यूवी लाइट भी लेके आया हूँ, वो आपको मैं यहाँ पर डाल के अपडेट दूंगा। तो देखिए मैंने अभी पानी फिल करके स्पॉन्ज चेंज करके मैंने फ़िल्टर रन कर दिया, इस तरह 24 घंटे रन करेंगे तो पानी क्लीन रहेगा, इस तरह 1 महीने तक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आरोना का 30% पानी चेंज करने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेवल मैंने बेयर बॉटम रखा हुआ है, क्योंकि आरोना को बेयर बॉटम पसंद है। बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फिल्टर चेंज करो, तो मैंने फिल्टर चेंज कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर मैंने इस तरह का डाला हुआ है, पहले इंटरनल फिल्टर था, थोड़ा फ्लो ज़्यादा था तो फिशेस को प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने एयर पंप डाला था, एयर पंप भी थोड़ा सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने बायोमीडिया के साथ जो एयर पंप आता है, एयर फिल्टर आता है बायोमीडिया के साथ, वो वाला मैंने यूज़ किया है। देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह का आप खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का थोड़ा अलग यूनिक है ये फ़िल्टर, ये स्पेशली टैंक पानी क्लीन भी रखेगा, क्योंकि इसमें बायो मीडिया है, फ़िल्टर मीडिया, और साथ में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते रहेगा, पानी फ्लो होता रहेगा, जिससे पानी गिरता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसका थोड़ा अलग मसला है, क्योंकि ये आरोना टैंक है, आरोना पानी के बाहर जम करती है, क्योंकि ये स्केपर से 3 मीटर की ऊंचाई तक भी जम कर सकती है इसको अगर चांस मिल जाए।
तो इसलिए क्या करना है, इसका टॉप को ओपन करके नहीं रखना है और पूरा पानी चेंज नहीं करना है। हफ्ते में 30% ही पानी चेंज करना है, पूरा पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हफ्ते में 30% पानी चेंज करने के साथ साथ ग्रेवल भी साफ़ करना है। तो उसके लिए आप वैक्यूम क्लीनर ले सकते हैं। तो मेरे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर बहुत सारे लिया मैं, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो इसलिए इस तरह के मैंने एक सिंपल एक टैंक बनाया है, एक सिंपल इस तरह का पाइप बनाया हुआ है। पाइप को यहाँ पर जो PVC पाइप आता है वो स्टक किया है। तो उसको करना क्या है, 30% हम पानी चेंज कर लेते हैं ग्रेवल के साथ साथ। तो पानी थोड़ा निकालना है इस तरह। तो यहाँ पर जो गंदगी जो लगी हुई है वहाँ पर, ये गंदगी के सामने ले जाएँ तो ये पूरा गंदगी बाहर निकाल लेगा। तो देखिए ये इस तरह होता है, गंदगी साफ़ हो रही है, कितना जल्दी साफ़ हो रहा है। और गंदे भी हफ्ते में एक बार इस तरह कर लेना है, हफ्ते में एक ही मरतबा, मैं दो हफ्ते में इतना क्लीन कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह सक करके निकाल रहा है गंदगी। ये बहुत सिंपल आसान तरीका है आरोना टैंक क्लीन करने का। पूरा पानी कभी भी चेंज नहीं करना है, हफ्ते में 30% पानी चेंज करना है, साथ साथ में ग्रेवल इस तरह साफ़ कर लेना। देखिए कितना 5 मिनट में ग्रेवल साफ़ हो चुका है। देखिए कितनी सारी गंदगी निकल गई, जुगाड़ो आइडिया है। बहुत सिंपल से आपको ये पाइप इस तरह PVC पाइप लेके इस तरह का अटैच कर लें, ताकि आसानी से पाइप निकाल, क्योंकि ये नॉर्मल पाइप होता है तो नीचे स्ट्राइट नहीं रहता है, भेंड होता है तो प्रॉब्लम होती है। इस तरह का स्ट्राइट रहता है तो बहुत जल्दी पानी क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए 5 मिनट में हो चुका, टर्टल टैंक की तरह ज़्यादा रिस्की नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टर्टल्स कंपेयर टू फिशेज जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस है। तो 30% पानी चेंज करने के बाद इस तरह फिल कर ले पानी। हीटर तो मैंने लगा दिया, हीटर है और फिल्टर भी मैंने अच्छा लगा दिया, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, पानी क्लीन रख रहा है। और जब से मैंने ये फ़िल्टर डाला हुआ है तब से मेरी आरोना जो बहुत हैप्पी है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगती है, आराम से घूमती है, आराम से इधर उधर खेलती रहती। वरना पहले जब पावर फिल्टर डाला था तो एक ही जगह खड़ी रहती थी, डरती थी और कोने में जाकर रुक जाती थी। तो अभी ये भी टैंक इसके लिए छोटी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये भी टैंक बहुत, मेरे पास जितने भी टैंक हैं बहुत छोटे छोटे हैं। तो जैसा अपग्रेड करता रहता हूँ छोटे छोटे चीज़ें, तो बहुत जल्दी मैं एक अलग प्लान है, बहुत बड़े टैंक बनाऊँगा। 7 फीट के 2 टैंक बनाकर बड़े रखकर सिर्फ सारे फिशेस निकाल कर सिर्फ 2 टैंक में, एक मॉन्स्टर टैंक और लेफ्ट साइड में एक सीटलेट टैंक रखने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मैंने कैमरा भी चेंज कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले मेरा जो वीडियो आते थे कैमरे में थोड़ा अलग आते थे, अभी तो मैंने कैमरा ले लिया है, मतलब अच्छे कैमरे वाला मोबाइल ले लिया है। पहले 16 मेगापिक्सल कैमरा था, उसमें वीडियो पकड़ता था, तो अभी 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसमें मैं वीडियो ले रहा हूँ। तो क्वालिटी का चेंजेस कुछ हुआ या नहीं मुझे, आप हुआ या नहीं आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। आरोना के टैंक के लिए ज़रूरी है कि आप ऊपर से एटलीस्ट 4 से 5 इंच पानी खाली रखें, क्योंकि ये जम करती रहती है। और कभी भी आरोना ऊपर देखना ज़रूरी है, अगर नीचे देखेगी तो उसको आँखों की प्रॉब्लम आती है, इसलिए ज़रूरी है कि आरोना ऊपर देखती रहे। जब तक वो ऊपर देखते रहेगी उसकी आँखों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर सिर्फ ऊपर देखना बंद कर देगी तो उसकी आँखों को पॉपअप ही हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पानी कम रखें, ज़्यादा नहीं रखना है। तो 30% पानी चेंज करने के बाद हमको थोड़ा एंटी क्लोरीन डालना पड़ेगा, एंटी क्लोरीन या वाटर कंडीशनर जो भी है, क्योंकि 30% पानी चेंज किया है। और ये स्ट्रेस फ्री, मैं ये कभी भी यही इस्तेमाल करता हूँ, ये स्ट्रेस फ्री लिक्विड है, क्योंकि स्ट्रेस से लिक्विड के साथ साथ पानी भी एंटी क्लोरीन का काम करती है। तो मैंने 30% पानी चेंज किया है, ये 20 गैलन का टैंक है, तो उसके हिसाब से मुझे 1 ड्रॉप पर गैलन के हिसाब से डालना है। तो 6 गैलन मैंने पानी चेंज किया है, तो मैं 6 ड्रॉप डाल देता हूँ इसके अंदर, जहाँ पर फिल्टर है वहाँ पर डाल देते हैं। बस इतना ही है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरोना के लिए इतना मेडिसिन ज़्यादा। तो नेक्स्ट बारी है हमारे प्लैनेट टैंक की। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि प्लैनेट टैंक को किस तरह पानी हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करते हैं, दिखाइए। तो वो मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल है, मुश्किल ये है कि इसमें इतने बारीक बारीक जो फिश फ्राइज हैं। मैं एक बार फ़िल्टर बंद कर देता ताकि आपको क्लियर से दिखा सकूं। तो यहाँ पर देखिए इतने फिशेस के बारीक बारीक जो, इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं इसमें क्लीन करता हूँ तो इसमें देखिए बारीक बारीक जो बहुत छोटे छोटे फ्राइज हैं फिशेस के, अप्रॉक्सीमेटली 100 से 100 से ज़्यादा फ्राइज हैं। अगर मैं पानी का पाइप लेकर वैक्यूम से क्लीन करूँगा तो सारे पानी के अंदर आ जाएंगे।
तो इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए क्या करना है, ग्रेवल तो मैं अभी साफ़ करने वाला नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे 100 जो है स्मॉल बेबीज़ हैं जिसके साथ पानी क्लीन करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं वैक्यूम करूँगा तो पूरा वो बेबीज़ जो है पानी के अंदर आ जाएंगे, जो दिख से यहाँ पर प्रॉपर दिख भी नहीं रहे हैं, ऐसे फ्राइज़ भी हैं, तो वो सारे पानी के अंदर आ जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। इसलिए क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ 30% सिर्फ इसमें निकाल लेता हूँ पानी निकाल के। देखिए मैं निकालने के लिए तो पानी रिप्लेस करने के लिए गया तो छोटी एक फ्राइस आ गई इसके अंदर। तो यही दिक्कत होता है, फ्राइस टैंक के अंदर पानी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल टैंक है, प्लानेट टैंक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह के पानी होता है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि पूरे, देखिए फिर दोबारा आ गई एक फ़िश, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालना पड़ता है। 30% अभी नहीं आई, नहीं कि कितने सारे फ्राइज़ हैं, मोर देन 100 से ज़्यादा, आप काउंट भी नहीं कर सकते, 100 से ज़्यादा फ्राइज़ यहाँ पर हैं। देखिए कितने फ्राइज़ हैं, मैं पानी क्लीन करने जाऊँ तो पूरे आ जाएंगे टैंक के अंदर। मैं एक्चुअली 20 ही लेके डाला था, देखिए किस तरह आ रहे हैं, 20 ही लेके डाला था मैं, 20 से लेकर अभी तक 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसमें मैंने 10-20 दूसरों को दे दिए भी हैं, जो मेरे कज़िन्स हैं उनको। देखिए कितना मुश्किल होता है। बीस से 30% पानी मैंने निकाल लिया है, तो अभी नया पानी 20 से 30% डालना है। उससे पहले क्या करना, तो एक स्पॉन लेके स्पॉन से थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जो आलगे लगा रहता है वो भी हफ्ते में एक बार इस तरह कर लें। तो फिर दोबारा नया पानी इसमें डाल देता हूँ मैं, 30% जो निकाला है। तो देखिए ये हफ्ते का रूटीन था मेरा प्लानेट टैंक का, इस तरह हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करके। स्पॉन्ज फिल्टर तो है मेरे पास, स्पॉन्ज फिल्टर रन कर देता हूँ, इससे पानी भी क्लीन रहता है और ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने फ़िल्टर इससे इंस्टॉल नहीं किया हुआ है इसके अंदर। मैंने इंस्टॉल नहीं किया, जब से लिए अब तक मैंने फ़िल्टर नहीं डाला है। विदाउट फ़िल्टर भी ये फिशेज जो है सर्वाइव कर जाती हैं। हाँ लेकिन हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार मैं वो जो छोटे छोटे स्नेल्स आते हैं वो पैदा होते रहते हैं, वो स्नेल निकाल निकाल के फेंकता रहता हूँ। महीने में 100-150 स्नेल बन जाते हैं छोटे छोटे से, जो पेट्स नहीं वो क्या बोलते हैं, पेस्ट होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, तो उसको निकाल के फेंकता रहता हूँ। तो इसमें भी एंटी क्लोरिन मैं जितना चेंज किया था उसके हिसाब से डाल देता हूँ, ज़्यादा मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करता मैं। 5-6 ड्रॉप डाल देता हूँ, इसे पानी का जो फिशेस अगर स्ट्रेस हो जाए तभी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो नेक्स्ट बारी है मेरी फ्लोहान टैंक की। तो फ्लोहान टैंक की देखिए थोड़ा इसमें चेंजेस हैं। पहले मैंने फ़िल्टर ऐड किया था, फ़िल्टर ऐड करके रन कर रहा था, तो फिशेज जो है थोड़ा फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये भी स्ट्रेस में आती है क्योंकि छोटे फिशेज जो है थोड़ी छोटी है। तो मैंने फ़िल्टर ऐड किया था, फ़िल्टर ऐड करने से थोड़ा फ्लो ज़्यादा हो रहा था, फिशेज थोड़ा स्विम करने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने निकाल कर अभी एयरपम्प डाला हुआ है क्योंकि फिशेज छोटी है। जो पहली फिशेज वाली थी मैंने गिव अवे के लिए सेंड कर दिया है, जो मैं रिसेंटली लिया वो फिशेज मैंने रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 30% पानी चेंज करना है और उसमें फ़िल्टर ज़्यादा नहीं है तो इसमें भी नीचे गंदगी फंसी हुई रहती है। तो इसलिए क्या करना है, इसमें थोड़ा चेंजेस है। इसमें क्या करना है, पानी क्लीन चेंज करने से पहले तो जो गंदगी होती है ग्लास के ऊपर की, वो इसे क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह देखिए ग्रेवल सब इस तरह क्लीन कर लेना है, क्योंकि अगर पावर फिल्टर होता है या इंटरनल फिल्टर होता है तो पानी फ्लो होता रहता है। तो यहाँ पर सिर्फ एयरपम्प डाला हुआ मैंने तो पानी फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से गंदगी नीचे चिपक जाती है, तो उसको निकालना पड़ता है। अभी पानी चेंज कर लेता हूँ, इसमें 40-50% पानी चेंज करता हूँ मैं। तो इसमें देखिए सारी गंदगी जो है वो निकाल लेना है, नीचे जो गंदगी फंसी हुई है, जो फिशेस की पोटी होती है या अनइटन फूड होता है वो यहाँ पर रहता है, इसको निकाल लेना है क्लीन से।
तो देखिए 30% 40% तो निकल चुका है पानी, फिर दोबारा नया पानी ऐड कर देता हूँ मैं। फ़िल्टर एनी टाइम रन रहता है, एयर पंप ऑन है, और कभी कभी फ़िल्टर भी ऑन कर देता हूँ, लेकिन फ़िल्टर ऑन करने से फ्लो ज़्यादा होता है क्योंकि फ़िशेज थोड़ी छोटी है। पहले मेरे पास दूसरी फ्लो ऑन थी तो मैंने वो गिव अवे के लिए सेंड कर दिया है क्योंकि वो गिव अवे होने वाली है, तो ये मुझे बहुत पसंद आ गई तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है दूसरी फ़िशेज़ को। ये थोड़ा छोटी है तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इसको तैरने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने ये वाला बंद कर दिया मैंने, तो वो बंद करके अभी एयर पंप ऐड किया है बस। तो इसे भी मैंने पानी चेंज करने के बाद जैसा 30% मैंने चेंज किया उसके हिसाब से एंटी क्लोरीन डाल देता हूँ 30 या 5-6 ड्रॉप। और मेरे पास फ़िल्टर भी है, आपको दिखाता हूँ फ़िल्टर मैंने इंस्टॉल किया हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं ये करके, तो देख सकते हैं फ़िल्टर भी है मैंने, लेकिन फ्लो ज़्यादा होने की वजह से फिशेज़ को प्रॉब्लम देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा मैं फ़िल्टर ऑन करता हूँ इसको स्विम करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक तरफ जाकर छुप जाती है क्योंकि फिशेज़ अभी थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं फ़िल्टर हमेशा बंद रखता हूँ ताकि और थोड़ा बड़ी हो जाए उसके बाद में मैं फ़िल्टर, देखिए किस तरह चले गई पीछे जाकर छुप गई क्योंकि फ़्लो ज़्यादा होगा, इसलिए जब वो बंद करता हूँ तो वापस आती है तैरने लगती है, तो इसलिए मैं बंद रखा हुआ हूँ। थोड़े दिन बाद जब ये बड़ी हो जाएगी 1-2 महीने में उसके बाद मैं फ़िल्टर ऑन रखूँगा, जब तक सिर्फ एयर पंप ही इस्तेमाल करूँगा। देखिए अभी फ़िल्टर बंद किया तो ये वापस आ रही है, फ़िल्टर डाला तो फिर जाकर छुप जाएगी, इसी तरह होता है। तो बस आज इतने में ख़त्म करते हैं, मैं सोच रहा था कि बेटा फिशेज़ भी इसमें क्लीन करके दिखाऊं और जो स्नेल यहाँ पर है स्नेल के ऊपर भी थोड़ा अपडेट दिखाऊं और गोरामिस के ऊपर भी थोड़ा क्लीन करके दिखाऊं, सिटलेट्स के ऊपर भी करूं, लेकिन इतना टाइम इसी में हो गया कि मैं सोच रहा था कि वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट टू में बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा तरीका होता है क्लीन करने का, हफ्ते में एक बार इस तरह मैं मेंटेन करता हूँ, हो सकता है आपको ये गलत लगे, हो सकता है इसमें थोड़े आपको और भी थोड़े चेंजेस इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, बस मैं अपने तरीके से जिस तरह केयर कर रहा हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो जिसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरह फॉलो करो, बस मैं जो कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी जो सिटलेट्स का है और स्नेल का है और गोरामिस का है बेटा फिशेस का अगली बार मैं बताऊँगा किस तरह क्लीन करना है करके, अभी मेरे पास फ़िलहाल इतना ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम है और वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी वीडियो देखने में, बोर हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके नमस्ते, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते, गुड बाय।